Hello friends, if you are new to this channel, please subscribe. Today we will read and understand the poem Casabianca. Casabianca is written by Felicia Hemans. It is based on a true story. कासाबियंका एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कि 1798 में एक बैटल हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उसके संबंध में यह है। द पोयम कासाबियंका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट दैट अकर्ड इन 1798 ड्यूरिंग अ सी बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो कासाबियंका एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बैटल हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1798 में, ये उस घटना से रिलेटेड है। यंग कासाबियंका वाज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप। यंग कासाबियंका वाज यंग एंड ही वाज सन ऑफ एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप। फ्रेंच वॉरशिप के एडमिरल पोस्ट पर जो थे उनका वो बेटा था। ही रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर। और वो लड़का बहुत साहसी था, बहुत ब्रेव था और वो अपना पोस्ट से हटा नहीं और वहीं पर डटा रहा और अपना ड्यूटी निभा रहा था। ही हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम हिज फादर नॉट टू अबैंडन हिज पोस्ट टिल ही वाज टोल्ड। उसको उसके पिता द्वारा आज्ञा दी गई थी कि अपना पोस्ट से हटे नहीं और अगले ऑर्डर का इंतज़ार करे, इसलिए वो अपनी जगह पर ही था और शिप बुरी तरह से जल रहा था फिर भी वो अपनी जगह छोड़कर चले जाने के बारे में वो सोचा ही नहीं। उनके पिता की आज्ञा थी कि वो वहीं पर रहे और अपना काम को पूरा करे। तो पोयम स्टार्ट होता है यहाँ पे। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। मैंने दो लड़का था वो बर्निंग डेक पर खड़ा था। जो डेक डेक बोलते हैं शिप के आगे के हिस्से को, कोई भी एक फ्लोर जो होते हैं आगे के हिस्से में जहाँ पर लोग खड़े होते हैं वहाँ पर वो खड़ा था, जो कि डेक जो कि जल रहा था। विंस ऑल बट ही हैड फ्लेड। विंस का माने होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से सभी लोग चले गए थे, भाग गए थे, एक्सेप्ट हिम। विंस ऑल बट ही हैज फ्लेड मतलब कि उसके सिवा सब लोग भाग गए थे या फिर जल गए थे या फिर ख़त्म हो गए थे, और जो थे वो भी फ्लेड मीन्स भाग जाना होता है तो भाग गए थे, लेकिन लड़का वहाँ पर था। द फ्लेम डैट लिट द बैटल्स रैक। फ्लेम जो थी वो बहुत तेज थी और बैटल को तहस नहस कर रही थी, रैक कर रही थी मतलब कि उसको तोड़ रही थी, उसको लगभग डुबा रही थी। शोन राउंड हिम ओवर द डेट। शोन इज द पास्ट टेंस ऑफ शाइन। सो शोन मतलब होता है चमकना। सो बहुत ही चमक रहा था, जो भी फ्लेम्स थी, आग की लपटे थी जो शिप पर जो कि जल रहा था वो बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही खतरनाक दृश्य था। उसको पोएट कहती हैं कि बहुत ही चमक रहा था, आग की लपटे बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो इस पैराग्राफ से हम ये देखते हैं कि बैटल हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच और शिप जो थी, जो फ्रांस की शिप थी वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जल के लगभग डूबने लगी थी और बहुत सारे लोग मर गए थे, जल रहे थे, लेकिन वो बॉय जो था वो अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ पर साहस से खड़ा था और वो ऑर्डर का फॉलो कर रहा था कि हमको यहाँ पे रहना है और अगले आज्ञा का वेट करना है। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड हैज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइंग ब्लड अ प्राउड थ्रू चाइल्ड लाइक फॉर्म। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, इसका मतलब यह है कि वो काफी खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट दिख रहा था। ब्राइट मतलब बोलते हैं जो कि बहुत चमकता है उसको ब्राइट बोलते हैं, एंड ब्यूटीफुल इज जो भी खूबसूरत है उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। सो वो बहुत वैसा सिचुएशन में जबकि सब चीज़ जल रहा है
लेकिन वो वहां पर खड़ा है। तो ये जो दृश्य था, पोएट कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट दिख रहा था, रूल मीन्स राज करना। तो वो कोई भी मुसीबत हो, स्टॉर्म का मतलब तो तूफान होता है, तो कोई भी तूफान हो या कोई भी मुसीबत से भी इसको ले सकते हैं। तो कोई भी मुसीबत में यहाँ पर लड़ाई हो रहा है तो उसको स्टॉर्म से दिखाया है, तो उसको भी वो रूल कर रहा है बिना डरे हुए, जबकि सभी मर गए थे शिप पर, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज किल्ड एंड ही वाज देयर फॉलोइंग हिज फादर्स ऑर्डर। अ क्रीचर ऑफ हीरोइक ब्लड, इसका मतलब है कि वो हीरो जैसा काम कर रहा था। पिता ने आज्ञा दिया कि वहां पर खड़ा रहना है, तो वहां पर वो खड़ा था, वहां से भागा नहीं वो, और बाकी सब मर गए थे या भाग गए थे, लेकिन ये वहां पर खड़ा था। उसके ब्लड में ड्यूटी को पूरा करने का पूरा साहस था। ये खानदानी स्ट्रांग आदमी था, खानदानी हीरोइक था। हीरोइक ब्लड का मतलब होता है कि उसके खून में वो चीज था कि मुझे ड्यूटी पूरा का पूरा करना है और भागना नहीं है। अ प्राउड थ्रू चाइल्ड लाइक फॉर्म, वो वैसा ही था कि डरकर भागना नहीं है, ड्यूटी का पालन करना है, जिसके कारण उसको हीरोइक बोला गया है। उसके खून में हीरोइक चीज है और जिसके कारण वो बहुत साहस से मुसीबत का सामना करता है। वो प्राउड थ्रू चाइल्ड था, थ्रू आउट चाइल्ड ही वो अपने आप में बहुत ही प्राउड चाइल्ड था, उसी तरह से वो था। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। तो पोएट कहती है कि जो फ्लेम्स था वो धीरे धीरे फैल रहा था, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, वो धीरे धीरे वो फैल रहा था, सभी चीज को वो जला रहा था, लेकिन कासाब्यांका कहीं नहीं गया। ही वुड नॉट गो, वो कहीं नहीं गया विदाउट हिज फादर्स वर्ड, उसके पिता ने उसको वहां खड़ा रहने के लिए कहा था, इसलिए वो वहां पर खड़ा था और वो वहां से कहीं नहीं गया और भागा नहीं। तो इसका यही मतलब है कि फ्लेम बढ़ रही है लेकिन फिर भी अपना ड्यूटी को फॉलो करते हुए वो लड़का वहां पर खड़ा था, अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रहा था और अपने पिता के अगली आज्ञा का वेट भी कर रहा था, इंतजार भी कर रहा था। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, लेकिन उनके फादर भी जख्मी हो गए थे और लगभग बेहोश हो गए थे। द फादर फेंट इन डेथ बिलो, और मौत के करीब थे, बेहोश हो गए थे, मौत के करीब थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो अपने पिता की आज्ञा का ही इंतजार में था कि पिता बोलेंगे हटने या पिता जैसा आज्ञा देंगे वैसा वो करेगा। लेकिन वो साहस के साथ वहां पर खड़े होकर डेक के सामने सब चीज को देख रहा था। ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से इफ येट माई टास्क इज डन, ही न्यू नॉट दैट द चीफ्टन ले अनकॉन्सियस ऑफ हिज सन। यहाँ पर पोएट कहती हैं कि वो लड़का जब सब चीज तहस नहस हो रहा है, सब जल रहा है, तो वो फादर के पास जाकर वो पुकारता है अपने पिता को कि पिता मुझे बताइए, कुछ भी बताइए कि क्या मेरा टास्क पूरा हो गया है जो मुझे वहां पर करना था, मैं तब से वहां पर खड़ा था तो वो टास्क हो गया है क्या। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि जो चीफ है, जो कि चीफ्टन, चीफ को ही बोलते हैं जो कि सीनियर पर्सन होते हैं, तो वही न्यू नो दैट द चीफ्टन ले, जो चीफ्टन थे वो तो वहां पड़े हुए थे, वो तो अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे, उनको तो ये भी पता नहीं था कि उनका जो बेटा है वो किस मुसीबत में है, चारों तरफ से आग से घिरा है, या उसको वहां रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं था ये सब चीज। स्पीक फादर, वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गॉन, एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। यहाँ पर पोएट कहती है कि वो फिर से फादर को पुकारता है, पिता को पुकार के कहता है कि क्या मेरा टास्क हो गया, क्या अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन उनको वहां से कुछ जवाब नहीं मिलता है क्योंकि उनके पिता जो थे वो तो अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन बहुत सारे शोर उनको उस बच्चे को सुनाई दिया जो कि दुश्मनों के, जो कि एनिमीज के गोला बारूद जो शिप पर आ रहे थे, वो सब धुआंधार जो साउंड थी या आग की लपटे थी उसे देख रहा था और सुनाई दे रहा था। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और जल्दी ही पूरा गोला बारूद आते ही पूरा फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगा। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर।
यहाँ पर पोएट कहती हैं कि वो अपने फोरहेड पर, ब्रो मीन्स फोरहेड, वो अपने फोरहेड पर जो आग की लपटों की जो गर्मी थी उसको ब्रेथ से रिलेट किया गया है, तो उसकी जो लपटें थी वो उसको महसूस कर रहा था अपने फोरहेड में, और उनको उसकी गर्म हवा भी उसके हेयर को इधर उधर हिला रही थी, तो वो बहुत महसूस कर रहा था कि वहां पे आग जल रहा है और वो आग के बहुत करीब है। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, लेकिन वो फिर वो वहां अकेला ही खड़ा था, वो डेथ का पोस्ट जैसा इसको संबोधन किया गया है कि मतलब कि डेथ करीब है लेकिन फिर भी वो वहां पर खड़ा है, उसको ऑर्डर मिला था वहां पर खड़ा रहने के लिए उसके पिता के द्वारा, तो वो वहीं पर खड़ा है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है, तो उसको लग रहा है कि वो अकेला ही डेथ पर खड़ा है, एक तरह से कोई उसको सुनने वाला नहीं है, उसको किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, सिर्फ आग की लपटें ही लपटें हैं हर तरफ, तो वो एक तरह से नाउम्मीद हो गया है कि अब क्या करें। वो ब्रेव तो है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब कोई ऑर्डर उसे नहीं मिल रही, वो अकेला ही वहां पर रह गया था। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे, वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड श्राउड द ब्रेथिंग फायर्स मेड वे। तो पोएट कह रही है कि वो फिर से पुकारा अपने पिता को कि पिता मैं अब यहां पे खड़ा रहूं या यहां से चला जाऊं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो अपना ऑर्डर का वो पालन कर रहा था, ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन कोई आवाज उसको सुनाई नहीं दिया, और जो उसको सुनाई दे रहा था वो बहुत ही, जो उसके पास से गुजर रहा था वो तो बस आग की लपटे ही थी जो उसके ऊपर से गुजर रही थी और उसको कवर कर रही थी। दे रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, दे कॉट द फ्लैग हाई एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैननेस इन द स्काई। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो आग की लपटे थी वो बहुत ही तेज हो गई थी और पूरे शिप को ही चारों ओर से घेर लिया था आग की लपटों ने, फायर पूरे शिप को अपने कब्जे में ले ली थी और अब फ्लैग को भी जला रही थी। एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, अब वो जो अच्छा ब्यूटीफुल बच्चा था, गैलेंट मीन्स जो बहुत अच्छा दिखता है, जो अच्छा ब्रेव बच्चा था, उसके भी अपने चपेट में वो ले लिया था। उस तरह से आग बढ़ रही थी जैसे कि बहुत सारा धुआं आसमान में उठते हुए हम लोग देखते हैं ना, उतनी तेज मतलब कि दिखा रहा है कि उस तरह से पूरा का पूरा कवर वो शिप को कर लिया था। देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, द बॉय ओ वेयर वाज ही, आस्क द विंड्स दैट फार अराउंड विथ फ्रैगमेंट स्ट्रोड द सी। तो पोएट कहते हैं कि अब एक बहुत लाउड साउंड आया, किसी चीज की फटने की आवाज आई, बर्स्ट हुआ, बर्स्ट मीन्स फट जाना, तो कोई भी चीज फटने का, तो वहां पर और कुछ नहीं, वो जो आग के गोले जो आ रहे थे वही फट रहे थे। ऑफ थंडर साउंड, थंडर के जैसा एक साउंड आया, ओ बॉय वो वेयर वाज ही, उसके बाद बॉय वहां पर दिखा नहीं, तो बॉय कहाँ गया, तो वो जो आग का गोला आया उसको भी अपनी चपेट में वो ले गया, बच्चे को अपनी चपेट में ले गया। आज द विंड दैट फार अराउंड, विंड्स भी पूछ रही है कि वो कहाँ गया, सिर्फ विंड्स की ही साउंड थी, वही इसको दिखाया जा रहा है कि विंड भी उसे पूछ रही है कि वो कहाँ है। विथ फ्रैगमेंट स्टोर्ड इन द सी, लेकिन जो फ्रैगमेंट थे तो जल के जो भी चीज जो भी मलबा था वो सी में बिखर गए थे। विथ फ्रैगमेंट स्टोर्ड द सी, विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पेनन फेयर दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट बट द नॉबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर वॉज दैट यंग फेथफुल हर्ट। तो बहुत ही सैड एंडिंग है इस पोएम का, और इसमें ये दिखा रहा है कि शिप तो जल गया था पूरी तरह से, जो मस्ट हेल्म और पेनन है, मस्ट होता है एक जो पोल होता है जो जिसमें कपड़े लगाकर सेल कर किया जाता है, शिप को सेल करते हैं उसको मस्ट बोलते हैं। फिर हेल्म होता है एक हैंडल होता है, स्टीयरिंग होता है शिप का जिससे डायरेक्शन चेंज करते हैं, और पेनन होता है कि कोई एक ट्रायंगुलर फ्लैग होता है जो कि बोट के ऊपर भी दिखाया जाता है पहचान के लिए, या दूर से दिख जाने के लिए एक फ्लैग को फहराया जाता है, तो उसको पेनन कहते हैं। तो सब चीज तो अब जल गया था, सब चीज ध्वस्त हो गया था, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज, जो सबसे प्यारी चीज जो वहां पर जलकर खाक हुई थी, वो यंग ब्रेव और ईमानदार बच्चा था। तो इसके साथ ही यह पोयम यहां पर समाप्त होती है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।